नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। हरियाणा में कांग्रेस ही नहीं, सत्ता में आने वाली भारतीय जनता पार्टी भी आंतरिक घमासान मचा हुआ है। अनिल विज के बाद राव इंद्रजीत सिंह शक्ति प्रदर्शन करने में लगे हैं और पिछले दो दिनों में 9 विधायकों को अपने घर पर बुलाकर राव ने सीएम पद पर अघोषित रूप से दावेदारी को ठोक दिया। कहा यह भी जा रहा है कि हरियाणा में इस बार के जो परिणाम आए हैं उसमें राव को इग्नोर करना आसान नहीं है। यही वजह है कि पिछली बार के इस मुकाबले में इस बार सरकार गठन में देरी हो रही है और 2014 और 19 में भारतीय जनता पार्टी ने 7 दिनों के भीतर मुख्यमंत्री और मंत्रियों की शपथ ग्रहण करवा ली थी। हरियाणा में चुनाव परिणाम आने के बाद भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर जीते 9 विधायक राव इंद्रजीत सिंह के घर पहुंच गए हैं और यहां सभी विधायकों ने राव इंद्रजीत सिंह से बधाई संदेश भी लिया। आपको बताएं, दिलचस्प बात इसमें ये रही है कि सभी विधायक तब राव इंद्रजीत के घर पहुंचे हैं जब सीएम पद को लेकर राव की दावेदारी चर्चा में। इंद्रजीत के घर अब तक सोहना से विधायक के चुने गए तेजपाल तंवर, महेंद्रगढ़ के विधायक कंवर सिंह यादव और कोसली से विधायक अनिल ढहिया के साथ गुरुग्राम से विधायक मुकेश शर्मा सहित 8 विधायक मिलने के लिए पहुंचे। राव इंद्रजीत की बेटी आरती भी विधायक चुनी गई है और ऐसे में इन सभी को मिलाकर ये कहा जा रहा है कि राव के समर्थन में अब 9 विधायक हो गए। हरियाणा के अहिरवाल बेल्ट में 11 में से 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत मिली है और पार्टी को सिर्फ महेंद्रगढ़ के नागल चौधरी में ही हार का सामना करना पड़ा। इनमें 10 में से बहादुरगढ़ से जीते विधायक ही राव इंद्रजीत खेमे के नहीं। इंद्रजीत समर्थकों का ये कहना है कि जिस व्यक्ति के सभी लोग चुनाव जीत गए हों उसे पार्टी कैसे नजरअंदाज कर सकती है। हरियाणा विधानसभा चुनाव की 90 में से 48 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली है और ये बहुमत से सिर्फ 2 नंबर ही ज्यादा बने हुए। ऐसे में संख्या बल की दृष्टि से भी राव इंद्रजीत को नजरअंदाज करना भारतीय जनता पार्टी हाईकमान के लिए आसान नहीं होगा। विधानसभा से पहले इंद्रजीत ने मुख्यमंत्री पद की दावेदारी ठोकी है और चुनाव के बाद भी उन्होंने ही कहा कि दक्षिण हरियाणा ने हमेशा भारतीय जनता पार्टी को दिया है, अब बारी भारतीय जनता पार्टी की है। और राव ने 2019 में भी सीएम पद की दावेदारी की थी लेकिन उस वक्त मनोहर लाल खट्टर से मात खा गए थे और वर्तमान की राजनीति परिदेश में उन्हें इस कुर्सी पर पहुंचने की उम्मीद बनी हुई। हालांकि राव की राह नायाब सिंह सैनी एक बड़ा रोड़ा हो सकते हैं और सैनी के नाम पहले ही भारतीय जनता पार्टी हाईकमान ने घोषणा कर रखी। ऐसे में इस बात की गुंजाइश कम है कि सैनी को हटाकर किसी और को मुख्यमंत्री बनाया जाए। कहा यह भी जा रहा है कि राव सीएम अगर नहीं बनते हैं तो मुखर होकर अपनी राजनीतिक वार्निंग पावर को बढ़ाएंगे और वर्तमान में राव मोदी कैबिनेट के अंदर स्वतंत्र राज्य मंत्री भी हैं। 2024 के बाद उन्हें ये उम्मीद थी कि उन्हें कैबिनेट मंत्री में भी जगह मिलने वाली है और इसके अलावा हरियाणा कैबिनेट में भी राव समर्थकों का दबदबा दिख सकता है। लेकिन 2 से 3 समर्थकों को हरियाणा कैबिनेट में शामिल किया जा रहा है और राव की बेटी आरती भी मंत्री पद की दावेदार। हालांकि हरियाणा भारतीय जनता पार्टी की एक और दिग्गज नेता अनिल विज भी मजबूती से दावेदारी कर रहे हैं और विज खट्टर सरकार में गृह मंत्री के पद पर भी रह चुके। अनिल विज पार्टी के भीतर पंजाबी चेहरा है और हरियाणा में करीब 5-6% पंजाबी। विज जिस अंबाला से आते हैं वहां 5 में से सिर्फ 1 की सीट पर ही भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है। कहा यह भी जा रहा है कि विज अगर बागी होते हैं तो भविष्य में यह पार्टी की और भी ज्यादा मुश्किलों को बढ़ा सकते हैं। बहरहाल अब ये देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के अंदर किस तरह से अपनी पार्टी को और मजबूत करती है और सरकार बनाने में जो मुश्किलें सामने आ रही हैं उनसे किस तरह से लड़ती हुई नजर आती है। फिलहाल के लिए इतना ही। छोटी बड़ी हर खबर आपको न्यूज वर्ल्ड इंडिया पे मिलेगी। बने रहे न्यूज वर्ल्ड।